जो सैनिक देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर अपना सीना तान कर खड़ा रहता है, वही सैनिक अपने घर को दबंगों से नहीं बचा पा रहा है। सेना का जवान अपना प्लॉट बचाने के लिए जिलाधिकारी से लेकर गृह मंत्रालय तक पत्र लिख चुका है, लेकिन आज तक प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। पूरा मामला रक्षा थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर का है, जहां रहने वाला प्रदीप यादव आर्मी में तैनात है। उसने आज जिलाधिकारी को दिया शिकायती पत्र में बताया कि गाँव में उसकी जमीन और मकान पर दबंगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। उसने करीब 3 माह पहले घर का निर्माण करवाया था, जिसे नवम्बर माह में दबंगों ने तोड़ दिया था। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने वह 1 माह से भटक रहा है, लेकिन उसकी कोई भी अधिकारी सुनकर कार्रवाई नहीं कर रहा। आपको बता दें कि इस मामले में 1 माह पूर्व गृह मंत्रालय ने भी जिलाधिकारी, SSP सहित रक्षा थाना पुलिस को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक मंत्रालय के आदेशों को भी पुलिस और झांसी जिले के अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जो हमारे देश की रक्षा करता है, उस सैनिक के साथ यह अन्याय समझ से परे है। आखिर वह कौन लोग हैं जो खुलेआम एक सैनिक के मकान पर कब्जा किए हैं और पुलिस भी उनके आगे नतमस्तक होकर कार्रवाई की बजाय उनको संरक्षण दे रही है। जी सर, मैं जो है 8 नवंबर को मेरा जो है प्रभु गुप्ता, पवन गुप्ता और उनके अन्य साथियों ने मेरा घर गिराया सर। तो मैं उस समस्या से जो है मैं सबके पास गया हूँ, SDM साहब के पास, थानेदार साहब के पास, सबके पास गया हूँ और मेरा वहाँ से रक्षा मंत्रालय से लेटर भी आया है। इस पर सर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो जी आपका मकान कब गिराया उन लोगों ने? 8 नवंबर को सर, और हमारा वहाँ पे कोई उपस्थित नहीं था। मैं हालांकि मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी, मैं स्टेशन पे आया तो मेरे एक उधर रहते हैं चंदन भाई, उनने मेरे को फ़ोन किया कि भैया आपका इनने जो है दीवार घर का गिरा दिया है। सर आप कहाँ पर देना था? मैं अभी दिल्ली में पोस्टिंग हुई है। अभी आप ऑन ड्यूटी आए? जी सर, मैं अभी छुट्टी पे आया हूँ कुछ दिन की। अभी आपने DM साहब से एप्लीकेशन दे दी? जी सर, मैं दे दी। DM साहब को पहले भी दिया था, और DM साहब ने SDM साहब को दिया था, मेरा थाना दिवस में दिया था, मैं शनिवार को करीब 7 जनवरी के दिन दिया था। अभी दोबारा दिया आज मैंने। अभी क्या आश्वासन मिला? तो अभी बोला कि मैं जो है इनने एक लेटर भेजा है थाने में, बोले उसकी जाँच चलेगी और मेरे सदर CO साहब के पास जाँच चल रही है। वो फाइल जो है अभी पेंडिंग में रख दी, उसकी कोई अभी उससे कोई कार्रवाई हुई नहीं। जो लोग ने जमीन अभी जो आपने दीवार पटकी, आपको मकान पटका है, वो दमन प्रगति लोग क्या है, वो कैसे लोग हैं? जी सर, उनके साथ जो है मुकदमे चल रहा है 40-40 साल से, लोग उनसे 40-40 साल से परेशान हैं, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। और ये बताइए, मेरे जो है माँ बाप आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं, मेरी फैमिली जो है बाहर रह रही है, ठीक है, मेरे पास खुद का रहने के लिए घर नहीं है, मैं छुट्टी आता हूँ, मैं रहूँ कहाँ? प्रॉब्लम ये है सर, एक जवान अपना सोचता है ज़िंदगी में अपना घर बना ले और क्या है, और ये बताइए जो है मैं अपना खुद का घर नहीं बना पाऊँ, मेरी नौकरी जो है 10 साल हो गई है, 5 साल और बची है, बताइए मैं कब घर बनाऊंगा, कब अपना जो है, और मेरी फैमिली इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरे पास घर रहने के लिए घर नहीं है, बताइए आप। जी आपको पुश्तैनी मकान है क्या? जी मैंने ये प्लॉट खरीदा था नरेंद्र यादव से, तो उनसे जो है मैंने रजिस्ट्री कराई थी, 1.5 लाख रुपये मैंने रजिस्ट्री का खर्चा है मेरा, बताइए आप, ठीक है। और तब की मेरा 46 फुट में बाउंड्री बना हुआ है, इनने पहले जो बोला था मेरे से, बोले 5 फुट छोड़ के आप जो है बना लीजिए, फिर मैंने 5 फुट छोड़ के बनाया, उसमें मेरा बाउंड्री करा दिया उस टाइम में। फिर जो है अभी जो कहते हैं 2 लाख रुपया दो तो बनाओ, नहीं तो जो है आप जो है निर्माण नहीं करो। मैं ये चाहता हूँ मेरा जो है घर का इनने जो है गिराया है, उसका वो जो है इनका सख्त से कार्रवाई हो। कौन कौन लोग हैं बोलो? प्रभु गुप्ता, पवन गुप्ता। नरेंद्र यादव के क्या रोल है इसमें? नरेंद्र यादव से मैंने जमीन खरीदी थी, ठीक है। नरेंद्र तो ये इनके दोनों पड़ोसी, नरेंद्र यादव ये बोल रहे हैं हमने आपको कब्जा दिलाया, आपने हमसे ज़मीन खरीदी, तो आप जो है हमने आपको कब्जा दिला दिया भाई, हमारा काम खत्म है, ठीक है। उस टाइम में अगर ये ऑब्जेक्शन किया था, कर दें अगर ऑब्जेक्शन, तो हम जो है क्यों खरीदें, बताइए आप। इन आप थाने गए थे? जी मैं थाने जा चुका हूँ। थाने में क्या कर रहे हैं? थाने में बोल रहे हैं कि हम करवा देंगे करवा देंगे, कोई आश्वासन आज तक ठोस नहीं मिला है। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।